गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 3 टॉपिक लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में इकोनॉमिक लाइफ क्या था। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले उनका जीवन एग्रीकल्चर के ऊपर चलता था। एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी वो करते थे। खेती बाड़ी करने का उनका तरीका क्या था, वहां पर बाढ़ बहुत आया करता था। सिविलाइजेशन में नवंबर महीने में हमेशा फ्लड आ जाता था, तो वो फ्लड में नवंबर महीने में सीड बो देते थे और अप्रैल में काट लेते थे। उनके मुख्य दो क्रॉप था, जिसे वीट और बार्ली था, वो नवंबर में बोते थे और अप्रैल में काट लेते थे। फिर वो फ्लड का इंतजार करते थे, जब फ्लड आएगा तो वो सीड बोएंगे। और उसको वो वुडन हल था, उससे वो उसकी जुताई करते थे और कॉपर प्लॉग शेयर, जिससे मिट्टी वगैरह का काटते हैं, उस टूल का इस्तेमाल करते थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, देखिए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में किन किन जानवरों को उन लोगों ने पालतू बनाया था, जैसे ऑक्सन, बफलो, सांड, बैल, सांड, गोट, शिप, डोमेस्टिक पिग्स, इन सब चीजों को उन लोगों ने पालतू बनाया था। उन लोग एलिफेंट के बारे में भी वो लोग जानते थे कि एलिफेंट क्या है, और भी कुछ जानवर थे, रेनोस, स्पॉटेड डियर, समर डियर, हॉक डियर, वाइल्ड पिग एक्सेट्रा, इनके बारे में भी वो जानते थे। आइए देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स, किस तरह वो ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे। अपना जो बिजनेस करते थे वो बेसिकली कॉटन, वहां पर बहुत ज्यादा उत्पादन होता था कॉटन को। वो लोथल जो एंशियंट का सबसे बड़ा पोर्ट था उस समय, लोथल पोर्ट के थ्रू वो मेसोपोटामिया में भेजते थे वो बेचने के लिए, इस तरह से उनका पोर्ट होता था। जो एविडेंस मिला है हड़प्पा एक्सटर्नल ट्रेड्स में, जैसे मेंशन ऑफ मेलुहा इन सुमेरियन लिटरेचर, ये मेलुहा जो है, जो ट्रेड्स होते थे उनको मेलुहा बोलते थे। सुमेरियन के साथ, जो मेसोपोटामिया के साथ जो ट्रेड करते थे उनको मेलुहा बोला जाता था। एविडेंस ऑफ ट्रेड बिटवीन मघान और मकान, MAKAN शब्द से, मकान से भी इसे जाना जाता है। ये यूनाइटेड अरब इमिरेट्स को ही कहा जाता है और ये उन लोगों के बीच में भी वो ट्रेड चलता था। कुछ सील्स मिले थे, सील ऑफ इंडस वैली हैव बीन नोटिस्ड फ्रॉम यूआर किस सूसा लोगस टाउन ऑफ मेसोपोटामिया। कुछ सिलेंड्रिकल थे भी सील्स मिले थे मोहनजोदड़ो में, जैसे यूज ऑफ मेसोपोटामिया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बाय द हरप्पन्स। हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि कहीं लिपस्टिक मिला हुआ है, कहीं कॉपर मिरर मिला हुआ है, सिंगारदान मिला हुआ है, तो वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल किया करते थे हड़प्पा वाले, बहुत ही शौकीन लोग थे। कॉफी में ड्यूरियल्स हैव बीन अ फॉरेन फेनोमेना व्हिच वेयर टू फ्रीक्वेंट इन हड़प्पा एंड मेसोपोटामिया। ये कॉफिन ब्यूरियल, मतलब कब्र के अंदर वो कब्र बक्से में डाल करके बॉडी को ब्यूरियल किया करते थे। फिगर ऑफ हम्प एंड बुल ऑन मेसोपोटामिया सीन, एक जो सीन मिलता था उनका, जो मोहर मिली हुई है उस मोहर के अंदर मैक्सिमम हम्प एंड बुल, जो कुबड़ा सांड था उसके, मतलब उसका सीन मिला हुआ है, जिससे वो जब जाते थे तो उसी सील का इस्तेमाल करते थे अपने बिजनेस में। कुछ मेजर साइट्स हैं, कुछ मेजर इंपोर्ट्स बाय द हड़प्पन्स। देखिए कुछ इंपोर्ट जो करते थे हड़प्पन एक दूसरे कंट्री में मेसोपोटामिया में, उस समय आयरन का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, आयरन उस जमाने में नहीं मिला था उनको, और गोल्ड जैसे अफगानिस्तान, पर्शिया और कर्नाटक तो इंडिया में ही है, सिल्वर अफगानिस्तान, ईरान, कॉपर बलूचिस्तान, खेतरी जो राजस्थान में है, खेतरी इन अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, अगार्स वेस्टर्न इंडिया, और चैल्सिडोनी सौराष्ट्र, लीड राजस्थान, साउथ इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान, लेप्सी, लजूरी, बदाख्तान एंड कश्मीर, टॉर्कस सेंट्रल एशिया, ईरान, अमेथिस्ट महाराष्ट्र,
जेड डी सेंट्रल एशिया और कार्निडियन सौराष्ट्र, ये सारी चीजें इंपोर्ट करते थे हड़प्पा। देखिए क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज क्या क्या थी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वाज अ ग्रेट इंडस्ट्रियल सेंटर, वेविंग वाज प्रोबेबली द चीफ इंडस्ट्रीज, वहां पर जो बुनाई कढ़ाई ये चीजें होती थी उनका चीफ इंडस्ट्रीज, बहुत सारे फेमस इंडस्ट्री इसी पर थे। पोटी जो मिट्टी के बर्तन बनाना है, उनको पेंट करना है, इन चीजों का भी वहां पर साक्ष्य मिला है। किलबर्न मतलब पका हुआ ईंटा, जो भट्टे के अंदर ईंटे को पकाया जाता था, उसका भी वहां पर साक्ष्य मिला है। जैसे पक्के घर वगैरह बनते थे सब इसी ईंट से ही बनते थे, और लोग ब्रोंज का भी इस्तेमाल किया करते थे, डीप ब्रोंज एंड टिन और आयरन, बहुत ही तीव्र गति से वो लोग यहाँ इस चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। वेट्स एंड मेजर में क्या है, देखिए उस जमाने में सेक्सा डेसिमल सिस्टम और डेसिमल सिस्टम भी वहीं पर मिल गया था हड़प्पा में, और ये लोग जो थे जो पैसे का इस्तेमाल था इनके पास, वो पैसा उस समय था नहीं, बार्टर सिस्टम से ही करते थे। लेकिन 16 छटांक मेड अ सीरियल एंड 16 आना मेड अ 1 रुपीस, इसके बराबर 16 छटाक और ये 16 आना के बराबर 1 रुपीस हुआ करता था। कम्युनिकेशन का साधन क्या था उनका, देखिए कम्युनिकेशन का साधन ये था कि दो प्रकार से कम्युनिकेशन करते थे, एक जब वो किसी सामान को एक्सपोर्ट करते थे दूसरी कंट्री में तो शिप या बोर्ड के थ्रू, अगर इंटरनली किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो बुलक कार्ट में, तो उनका कम्युनिकेशन का साधन यही था। बाहर जाएंगे तो बोर्ड में जो बंदरगाह थे, उस बंदरगाहों का भी नाम हमने पिछले वीडियो में बताए हैं, जैसे बोलता है जो फेमस सबसे बड़ा बंदरगाह था उसके थ्रू वो सुमेरियन मेसोपोटामिया में वो बोट से जाते थे एक्सपोर्ट करने के लिए, और अपने इंटरनल ट्रेड के लिए वो बुलक कार्ट का इस्तेमाल करते थे। आर्ट्स में देखिए हड़प्पा हड़प्पन्स वर यूटिलिटेरियन ऑल्दो नॉट कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ आर्टिस्टिक सेंस, आर्ट्स में क्या था उन लोगों ने मींस वहां के जो लोहार वगैरह थे ब्रोंज कांस से, उन लोगों ने सेवरल काइंड्स ऑफ टूल बनाया था जो उनके रोज जिंदगी में इस्तेमाल हुआ करता था, जैसे वेपन के टाइम में था एक्स था, सौ था कुल्हाड़ी आरी नाइफ स्पीयर, ज्वेलरीज ऑफ सिल्वर गोल्ड एंड कॉपर, इन सारे मतलब टूल्स को भी उन लोगों ने बनाया था जो उनके आम दैनिक जीवन में इस्तेमाल हुआ करते थे। देखिए हड़प्पन पोटरीज, हड़प्पन का जो बर्तन बनाने वाला आर्ट था वो क्या क्या था, हड़प्पन पोटरीज अ ब्राइट और डार्क रेड एंड अ यूनिफॉर्म स्टडी एंड वेल मेकेड, वो जो पोटरी थी ऐसे मामूली सी पोटरी नहीं थी, बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग पोटरी थी, सामान्य रूप से बहुत ही हार्ड वर्क करती थी। चीफ व्हील में जो उनका जो व्हील था कंसिस्ट ऑफ प्लेन, मीन्स जो व्हील हमारे यहाँ पर एक्सल वाला व्हील होता है बैलगाड़ी में, आपने देखा होगा तीलियां लगी होती है साइकिल की भी तीलियां होती हैं, उस जमाने में कोई तीलियां नहीं थी, एकदम प्लेन व्हील मिला था, प्लेन व्हील जिसके सहारे वो एक जगह से दूसरी जगह बुलक कार्ट के थ्रू जाया करते थे। हड़प्पन पीपल यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटरी सच एज ग्लेज्ड, जैसे इसको बोलते हैं चमकीला बोलते हैं, अद्भुत अच्छा सा मतलब कटा हुआ था डिजाइन में, छिद्र हुआ करते थे उसके अंदर, गांठे भी हुआ करती थी, इस प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटरीज वहां मिला हुआ है। On whole, Harappan pottery are highly utilitarian in character through the painted design on some piece so a remarkable artistic touch. बहुत ही highly इस्तेमाल किया जाता था उनके उन डिजाइनों को। अब देखिए Harappan seals से कुछ, जैसे most commonly made of seal is soft stone के seal, soft stone से बने हुए seal थे। The technique of cutting and polishing these seals were white lustered was a unique invention of the Harappa. White chamkila मतलब बहुत चमकीला polishing किया हुआ seal हुआ करता था। Majority of seals have an animal engraved on them with a short inscription. जैसे seals जो था के seal के ऊपर animal का चिन्ह हुआ करता था, animal का चिन्ह हुआ करता था, जैसे यूनिकॉर्न इज द एनिमल मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड ऑन द सील। यूनिक मतलब एक सील का गेटा
एक चीज का कहना जिसके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं, उनके सारे सीड्स में मैक्सिमम सीड वो यूनिकॉर्न हुआ करता था या हंपेड बुल हुआ करता था। मेनी टाइप्स ऑफ सीड, जैसे स्क्वायर टाइप का सीड था, रेक्टेंगुलर टाइप का सीड था, इस टाइप के वहां पर सीड मिले थे। अब देखिए जो ब्रोंज हम बात कर रहे हैं ब्रोंज आर्ट की, तो ब्रोंज बना हुआ किससे है, टिन और कॉपर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा चुका है ब्रोंज किससे बना हुआ, टिन और कॉपर से। इस चीज का पक्का बहुत ही ध्यान रखें, इसको भूले ना। आइए देखते हैं करेंसी। उस जमाने में वो करेंसी तो थी नहीं, वो बार्टर सिस्टम इस्तेमाल करते थे, अपना एक सामान दे दिया और उनसे सामान के बदले सामान एक्सचेंज कर दिया, यही सिस्टम वहां पर चला करता था। कुछ बहुत ज्यादा मात्रा में वहां सीड मिला हुआ है तो उसका कोई मतलब साक्ष्य नहीं मिला कि सीड का इस्तेमाल क्या पैसे के रूप में किया जाता था या सिर्फ सीड का इस्तेमाल सिर्फ मोहर मारने के लिए किया जाता था, तो इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है वहां पर। स्क्रिप्ट, कुछ स्क्रिप्ट्स मिला है, जैसे 400 से 500 साइन मिला है, नॉट अल्फाबेटिक, अल्फाबेटिक मूड में नहीं है वो, लॉजिस्टिक लोगो सिंबलिक है, सिंबल्स बने हुए हैं और रिटर्न सिस्टम में है, और डिसअपीयर्ड है मतलब अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और वो जो है फ्रॉम कालीबंगा शो दैट रिटर्न वॉज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखिए लेफ्ट से लेकर राइट में लिखा हुआ है और दूसरी लाइन में ठीक राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है अल्टरनेट लाइन, मतलब एक लेफ्ट से दूसरी लाइन राइट से, तो उसको बॉस्ट्रोफेरन बोलते हैं, उसको बॉस्ट्रोफेरन बोलते हैं जिसे मतलब नहीं पढ़ा जा सका है अभी तक। हरप्पन संस्कृति में गेम भी हुआ करता था, बेसिकली जो उनका गेम था हॉबीज टू आउटडोर अम्यूजमेंट, आउटडोर अम्यूजमेंट और इंडोर अम्यूजमेंट दोनों चीजें वहां पर थी, जैसे डांस म्यूजिक वर्ड पॉपुलर अम्यूजमेंट, डांस म्यूजिक हुआ करता था, जुआ भी खेलते थे वो है, फिर वो फिशिंग और हंटिंग भी आउटडोर में करते थे, तो इस टाइप से वो गेम खेल करके अपना एंटरटेनमेंट करते थे। डिस्पोजल ऑफ डेड, मतलब नो डेफिनेट प्रूफ इज अवेलेबल रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडीज येट, मतलब कोई डेड बॉडीज का कोई मतलब उनको डिस्पोजल का कोई प्रूफ नहीं मिला है। इट इज बिलीव दैट द डेड वर ईदर बर्न कंप्लीटली, क्रीमेशंस फॉलोड बाय ब्यूरियल ऑफ ऐश एंड रेयरली द ब्यूरियल ऑफ द डेड आफ्टर एक्सपोजर टू द बर्ड्स एंड बीज, कभी वो बर्न भी कर देते थे, कभी उनको क्रिमेशन कर दिए कर देते थे, कोई उनका परफेक्ट उनका एविडेंस नहीं मिला है। डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन थ्योरिस्ट, हर एक थ्योरिस्ट का अलग अलग विचार है कि किस तरह इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ था, आइए एक बार इनको देख लेते हैं। गॉर्डन चिल्ड स्टुअर्ट पीगॉट ने इनके हिसाब से एक्सटर्नल एग्रीगेशन बाहर से आक्रमण हुआ था तब इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया था। एसटी लैम्ब्रिक ने ये कहा है अनस्टेबल रिवर सिस्टम अनस्टेबल था इसलिए उनका डिक्लाइन हो गया। केयूआर के कैनेडी ने कहा है नेचुरल क्लाइमेटिस की वजह से, और स्टेन एंड एन घोष ने कहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, आर मॉन्ट्रियल विलर ने कहा है आर्यन इन्वेशन की वजह से हुआ है, रॉबर्ट रे का कहना है कि अर्थक्वेक की वजह से हुआ है, सूर्य अग्रवाल का कहना है कि ड्राइनेस ऑफ रिवर सूख गया था इसके वजह से पानी की कमी हो गई और वो पूरी सृष्टि नष्ट हो गई, वाटर फेयर सर्विस इकोलॉजिकल इंबैलेंस, मतलब हर एक थ्योरिस्ट जो हैं, हर एक लेखक हैं, उनका अलग अलग सोचना है और अलग अलग चीजें कहना है। आइए देखिए कुछ फैक्ट्स इन सिविलाइजेशन के, क्या फैक्ट्स हैं वो हम देखते हैं। जैसे द स्टेट इज अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ हरप्पन साइट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस गुजरात, गुजरात को आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा हरप्पन साइट माना गया है, ज्यादा से ज्यादा साइट यहीं गुजरात से ही मिले हुए हैं। जैसे हरप्पन के तीन साइट्स मिले थे, प्री पूर्व पोस्ट या हरप्पन हरप्पन साइट, तीन प्रकार के साइट्स मिले, एग्जाम्पल रोडजी देसराम देसलपुर एंड सरकोटे, तीनों ही गुजरात के हैं। मोस्ट कॉमनली ग्रेव एनिमल और हरप्पन सील, जो उनके सील से उस पे ज्यादा से ज्यादा यूनिकॉर्न और हम्पन बुल का ही मतलब सील के ऊपर निशान मिलता है। साइट्स हैव यावेड द एविडेंस ऑफ प्री हरप्पन सेटलमेंट, कोटजी कालीबंगा एंड हरप्पन,
टाइम स्पैन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आर फिक्स, वो कार्बन डेटिंग कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग 14 के हिसाब से, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 23 to 3 BC to 1750 BC तक यहाँ पर माना गया है। हड़प्पा साइट दैट एक्टेड एज अ पोर्ट, देखिए हड़प्पा साइट का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बिजनेस करने का जो सोर्स था वो है लोकल बालाकोट सुटेंजर एंड अलादी जो अभी पाकिस्तान है, ये पोर्ट्स थे, बहुत ही फेमस पोर्ट्स थे। ज्योमेट्रिकल शेप जैसे हमने पहले बताया हुआ है ट्रायंगल शेप में ही इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन बसा हुआ था। द हड़प्पा सिटीज विद मोस्ट इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पा सिटी का मोहनजोदड़ो का सबसे इंप्रेसिव था। मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड फॉर द हड़प्पा स्टोन स्कल्पचर लाइमस्टोन और टॉर्च सेलाइट जिसे सॉफ्ट स्टोन भी कहा जाता है। देखिए वहां पर टू मोस्ट सोर्स है फुल सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलीजियस एंड सोशल लाइफ हड़प्पा का मिला है टेरिकोटा फिगर एंड सील, कुछ सील्स मिले थे कुछ मूर्तियां मिली थी जो पक्के बनी हुई थी, जैसे आर्मी की मूर्तियां थी फौज की मूर्तियां थी रथ की थी, बहुत नाना प्रकार की मूर्तियां मिली थी, उससे पता चलता है उनके सोशल लाइफ के बारे में। टीला जिसे चार्ल्स मैशन ने 1826 में डिस्कवर किया था, विलर के हिसाब से वो एक सुमेरियन कॉलोनी थी। उस समय लाइन Have not been found anywhere in Harappa. Lime का जिक्र नहीं है कहीं भी, lime found नहीं हुआ है। Road जो था तकरीबन 30 फुट road था, कुशाना का स्तूप ही मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मिला है। देखिए रंगपुर में मदर गॉडेस की पूजा नहीं की जाती थी, रंगपुर में एविडेंस ऑफ खेती के टाइम में उनको जैसे धान की खेती पैड़ी और पील मटर का भी उनको एविडेंस मिला है वहां पे। मेसोपोटामिया से जो रिलेशन उनका कायम हुआ था हड़प्पा का वो 2300 बीसी से हुआ था। लेकिन लार्जेस्ट हड़प्पा साइट इन इंडिया इज सिचुएटेड इन हरियाणा राखी गढ़ी, फर्स्ट लार्जेस्ट जो है हरियाणा राखी गढ़ी है, सेकंड लार्जेस्ट जो है धोलावीरा है इन गुजरात में। डायमेंशन ऑफ ब्रिक जो पक्की ईंट थी वहां पर 11 इंच की लेंथ 11 इंच था, वेट 5.5 इंच था और डेप्थ 2.75 इंच था, रेशियो में 4:2:1 था। ये हड़प्पा व्हील वेयर एक्सेलेस, हड़प्पा व्हील का जो एक्सेल नहीं था उसके अंदर से पहले मैं बता चुका हूं वो कोई तिलियां नहीं थी, पूरा प्लेन व्हील था। ये फेमस पोर्ट टाउन है मोहनजोदड़ो है, 10.5 मीटर वाइड रोड जो रोड था उसका 10.5 मीटर वाइड था और द कालीबंगन लेन्स एंड रोड्स ऑफ द सिटी वर बिल्ट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो कालीबंगन जो राजस्थान में है उनकी उनका जो रोड है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में था। मोहनजोदड़ो द लेंथ ऑफ द ग्रेट बार 12 मीटर ब्रेथ 7 मीटर एंड डेप्थ 2.8 मीटर। द साउथ वेस्ट ऑफ मोहनजोदड़ो देयर वाज अ ग्रैनरी व्हिच कवर 55 x 37 मीटर, इट इज सराउंडेड बाय द वरांडास ऑन फोर साइड्स, देयर आर 27 ब्लॉक ऑफ सॉलिड ब्रिक्स इन द ग्रैनरी, जो ग्रैनरी था मोहनजोदड़ो के घर के बाहर उसका ये साइज दिया हुआ है 27 ब्लॉक्स है उसके अंदर। हड़प्पा पर है बिकॉज़ द रिवर द ग्रैनरी इज आउटसाइड ऑफ द फोर्ट, हड़प्पा में जो ग्रैनरी था वो गेट के माने फोर्ट के बाहर हुआ करता था आउटसाइड ऑफ द फोर्ट, तो 6 ग्रैनरी के हिसाब से पूछता है तो हड़प्पा में बताना है और ऐसे ग्रैनरी पूछता है तो मोहनजोदड़ो बताना है। इन द लोथल पोर्ट देयर वाज अ डॉकयार्ड व्हिच इज 216 मीटर इन लेंथ एंड 7 मीटर इन ब्रेथ, जो डॉकयार्ड का साइज था वो 16 मीटर था एंड लेंथ 7 मीटर था इन ब्रेथ में। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।